Hey guys, मैं शौर्य सत्यार्थ एंड यू आर वॉचिंग गेमिंग जनरेशन। और गाइज, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का ट्रेलर आते ही काफी सारे लोग इसके हिडन डिटेल्स, मिस्ट्रीज एंड थ्योरीज निकाल रहे हैं। हाँ, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। बट कुछ सवाल जो मुझे लगभग हर वीडियो में ही आते हैं, वो इस ट्रेलर के कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को लेके है, जैसे कि डर्लिन, थॉर, एंगर बोडा एंड टेयर। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि गॉड ऑफ वॉर 2018 के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर थे। बट ट्रेलर में इनको ऐसे रिवील कर दिया गया, उसको के शायद लोग अभी तक शॉक्ड हैं। बट गाइस, अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि इन कैरेक्टर्स के बारे में हमें बहुत कम पता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि गॉड ऑफ वॉर 2018 में इन कैरेक्टर्स का क्या रोल होने वाला है एंड ये एक्चुअली में कौन है। तो या इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आर यू अ काम एंड रीजनेबल पर्सन? अब गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे डर्लिन से। ट्रेलर में इसका ऑलमोस्ट सिर्फ एक सेकंड का ही सीन था, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि गेम में डर्लिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। नहीं, डर्लिन मोस्ट प्रोबेबली क्रेटोस का फाइट में साथ नहीं देगा, बट वो एक तरह से क्रेटोस एंड एट्रियस का गाइड बनेगा। अब गेम में तो डर्लिन का नाम डर्लिन है, बट जैसा कि मैंने अपनी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में कहा था, रियल माइथोलॉजी में डर्लिन नाम का कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन रियल मिथ्स में एक ड्वार्फ है जिसका नाम ड्यूलेन है और उसने टियरफिंग सोर्ड को बनाया था और वो सोर्ड इतनी पावरफुल थी कि उसको जो भी वील करता वो वहीं पे मर जाता। तो ऐसा हो सकता है कि सेंटा मोनिका ने ड्यूलेन का नाम चेंज कर डर्लिन रख दिया हो और हो सकता है कि ये वही ड्वार्फ हो। वेल गाइस, अगर डर्लिन सही में ड्यूलेन है तो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में ये बंदा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगला है थॉर। Yes, Almighty Thor. अब गाइस, गेम में बेसिकली थॉर को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, गॉड ऑफ थंडर या गॉड ऑफ लाइटनिंग भी बुलाया गया है। अब मुझे एक कमेंट बहुत ही रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग शॉक रह गए थे थॉर के इस अपीयरेंस को देखकर। वेल, ट्रेलर में तो थॉर के इस अपीयरेंस को दिखाया नहीं गया है, बट एक तरह से ये ऑफिशियली रिवील कर दिया कि थॉर ऐसा ही दिखने वाला है और इसको देख के बहुत सारे लोग शॉक रह गए थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं शॉक्ड बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो लोग गॉड ऑफ 2018 खेले हैं उनको लोगों की बातें सुनकर ये पता चल गया होगा कि थॉर एक्चुअली में ऐसा ही था, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला कि थॉर एक बहुत ही रेकलेस एंड बहुत ही गुस्से वाला गॉड है, प्लस वो बहुत ही ड्रंक रहता है एंड वो किसी को भी ऑलमोस्ट बेवजह ही मार देता है। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक से यही पता चलता है कि थॉर एक बिल्कुल भी रीजनेबल पर्सन नहीं है। अगर अब आप लोग पूछेंगे कि इस गेम में थॉर का क्या रोल होने वाला है, तो मेरे हिसाब से थॉर इस गेम में मर जाएगा, बिकॉज रियल माइथोलॉजी में थॉर रैग्नारोक के एंड में मर गया था क्योंकि उसको ह्यूमन गैंडर यानी कि वर्ल्ड सर्पेंट ने पॉइजन कर दिया था। और इस गेम में भी मोस्ट प्रोबेबली थॉर जायंट्स को हंट डाउन ही करेगा, क्योंकि आप लोगों को शायद ना पता हो लेकिन गॉड ऑफ वॉर 2018 में भी थॉर का यही रोल था। वो पूरे टाइम ही एक तरह से फे को हंट कर रहा था, बट वो डायरेक्टली तो नहीं आया बॉर्डर की तरह, बट उसने अपने दोनों सन्स को भेजा था फे का पता लगाने। लेकिन इस गेम में वो खुद ही आएगा अपने बेटों का काम करने के लिए। अगला मिस्टीरियस कैरेक्टर है टियर। अब गाइस, सोचने वाली बात यह है कि गेम में हर कोई ये कहता है कि गेम के हिसाब से टियर मर गया था। इनफैक्ट क्रेटोस ने भी ट्रेलर में ये कंफर्म कर दिया था कि टियर मर चुका था, लेकिन टियर यहाँ जिंदा कैसे है? ऐसा हो सकता है कि हाँ ये जिंदा हो या फिर ये पास्ट का टियर हो। वेल, टियर ओडिन का सन है और गाइस, टियर एक्चुअली में काफी ब्रेव एंड क्लेवर गॉड है। तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि टियर हमारा यूज करे एंड अपना काम पूरा होने के बाद हमें बिट्रे कर सकता है। एंड गाइस, रियल मिथ्स में टियर का एक बहुत ही ज्यादा फेमस टेल है यानी कि एक स्टोरी है, और वो ये कि टियर अपना एक हाथ खो दिया था जब वो फेनरियर को वश में कर रहा था। अब डेफिनेटली ये इवेंट अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे टियर का हाथ हम देख सकते हैं, यानी कि ये होगा, यानी कि गॉड ऑफ वॉर 2018 में फेनरियर की भी अपीयरेंस होगी और वो सीन देखने लायक होगा जब टियर फेनरियर को कब्जे में कर रहा होगा और वो अपना एक हाथ खो देगा। ये सीन तो देखने लायक होगा। वेल, अब इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर भी आता है और वो है फेनरियर। अब क्योंकि टियर अपना एक हाथ खो देगा, लेकिन इस सीन में उसका हाथ यहीं पर है, इसका मतलब ये कि हम ये सेफली कह सकते हैं कि फेनरियर की अपीयरेंस गेम में होगी और टियर उसको कैद कर लेगा अंटिल रैग्नारोक। फेनरियर के बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं जानते, बट इतना जरूर जानते हैं कि वो फेनरियर ही होगा जो ओडिन पे फाइनल ब्लो मारेगा, जो ओडिन पे किलिंग ब्लो मारेगा। यस, वो क्रेटोस नहीं होगा जो ओडिन का एंड करेगा। वेल, तो इसी के साथ आती है हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर और वन ऑफ द मोस्ट
मिस्टीरियस कैरेक्टर यानी कि एंगर बोडा। अब गाइज आप लोग एंगर बोडा को काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एंगर बोडा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि एंगर बोडा लोकी यानी कि एट्रेस की वाइफ है और फेनरियर हेल एंड वर्ल्ड सर्पेंट की मदर है। हैं? ऐसा भी होता है? अब जाहिर सी बात है कि इतने कम टाइम में एट्रेस और एंगर बोडा के बीच में कुछ होगा नहीं, तो नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कैसे प्रेजेंट डे में फेनरियर हेल एंड वर्ल्ड सर्पेंट एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका आंसर काफी सिंपल है। यहाँ पर दो थ्योरीज हैं, या तो फेनरियर वर्ल्ड सर्पेंट एंड हेल फ्यूचर से आए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एट्रेस पास्ट में जाएगा और देन वहां से। तो मेरे हिसाब से ये जो सीन हम देख रहे हैं ये प्रेजेंट का सीन नहीं है बल्कि पास्ट का सीन है, और अगर ऐसा हुआ तो भाई प्लॉट ट्विस्ट बहुत सारे हैं इस गेम में। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल फादर ओडिन। अब गाइस प्रेजेंट टाइम में ओडिन गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स का मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है। यस, फ्रिया से भी ज्यादा। इनफैक्ट फ्रिया के बारे में तो हम कुछ चीजें थियोराइज कर सकते हैं। टियर को रिवील कर दिया, थॉर को रिवील कर दिया, एंगर बोडा को रिवील कर दिया, लेकिन ओडिन का हमने नाम भी बहुत रेयरली सुना है। अब गाइस ऑल फादर ने ही थॉर एंड बॉल्डर को कमांड किया था कि वो जाए और फेयर को पकड़ के लाए। अब थॉर तो फिजिकली अपीयर नहीं हुआ, उसने अपने दोनों बेटों को भेजा, लेकिन बॉल्डर खुद आया था। लेकिन अब गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में थॉर भी आएगा, लेकिन इन सबका मास्टरमाइंड कौन है? यस, ऑल फादर ओडिन। बट गाइस यहाँ पे एक सवाल भी आता है कि ओडिन फेयर को क्यों चाहता है? तो रियल मिथोलॉजी में ओडिन जायंट्स की फ्यूचर नॉलेज चाहता था, ताकि ओडिन उस फ्यूचर नॉलेज का यूज कर रैग्नारॉक को अवॉइड कर सके। लेकिन इस बात से जायंट्स गुस्सा हो गए और उन्होंने टियर को कहा कि वो योतनहाइम एंड बाकी वर्ल्ड में आने जाने के ट्रैवलिंग क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे योतनहाइम में आने जाने का रास्ता ही कट गया। लेकिन हम ये बात देख रहे हैं कि काफी सारे ऐसे जायंट्स अभी भी हैं, जैसे कि फे, एंगर बोडा, एट्रियस, जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड में हैं। और शायद ओडिन फे के पीछे इसलिए था ताकि वो फे की नॉलेज चाहता था और ताकि वो रैग्नारॉक अवॉइड कर सके। अब मेरे हिसाब से गॉड और रैग्नारॉक में ओडिन का पर्पस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो अभी भी जायंट को चाहते हैं, बट जायंट चेंज हो गए, और मेरे हिसाब से वो जायंट और कोई नहीं एंगर बोडा ही होगी, और शायद इसलिए हम एंगर बोडा के पास जाएंगे उसे रेस्क्यू करने। हो सकता है ऐसा ही हो। वेल गाइस, तो यहाँ पे ये था ओडिन का रोल। और गाइस अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है भाई, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें एंड हाँ उस लाइक बटन पे भी, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी थ्योरीज को, आप क्या सोचते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में एंड आपकी इन कैरेक्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस है। वेल इसी के साथ साथ अब फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।